चलो भाई लोग, तो हमारा भी जो रिवीजन होने वाला है वो हम लोग करेंगे डिपॉजिट को लेके। जो चैप्टर है हमारा डिपॉजिट, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, फटाफट मैं जो चीज बोलूंगा उसको तुरंत पढ़ के तुरंत क्वेश्चन बैंक में जाना, क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग काम की बात पर। काम की बात क्या बोलती है भाई, डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या है? डिपॉजिट की डेफिनेशन बहुत आसान है। टू क्लॉज 31 क्या बोलता है, टर्म डिपॉजिट एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, जो भी पैसा आपको मिला किस रूप में, ध्यान देना, डिपॉजिट के रूप में या लोन के रूप में या किसी अदर फॉर्म के रूप में। ठीक है, ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, डिपॉजिट। क्या बोलेंगे, डिपॉजिट। उसके बाद में ये टाइम बाउंड होगा, 6 महीने से 36 महीने के बीच में। ये सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड प्रिस्क्राइब कैटेगरीज, वो कौन से अमाउंट नहीं आएंगे वो हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स से। ठीक है, पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से भी इशू करेगी और पब्लिक से भी इशू करेगी, बट उसके लिए उसको कुछ पैरामीटर्स फुलफिल करने पड़ेंगे। चलो एक काम की बताती हूँ, कितने प्रकार के डिपॉजिट होंगे, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हम लोग अपनी सिक्योरिटी रखते हैं। कौन सी एसेट्स को, टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स को गिरवी नहीं रखा जाता डिपॉजिट में, भूलना मत। कौन कौन सी कैटेगरी है जो डिपॉजिट में नहीं आएगी, प्लीज ध्यान देंगे, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब ऐसा कोई भी पैसा जो आपको केंद्र सरकार से मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से या एनी अदर सोर्स, ऐसा जो भी पैसा आपको मिला जिसकी गारंटी किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, या ऐसा कोई भी अमाउंट आपको मिला किसी लोकल अथॉरिटी से, या ऐसा कोई भी अमाउंट मिला आपको जो कोई स्टेटरी अथॉरिटी जैसे आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएटेड है। क्लियर हुआ? ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको फॉरेन गवर्नमेंट से मिला या फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक से मिला, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिला जो फेमा के तहत आपने हासिल किया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऐसा कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ एज ए लोन और एज ए फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी। सिंपल सी बात है यार, कोई बैंक अगर मेरे को पैसा दे रहा है या एसबीआई पैसा दे रहा है या उसकी सब्सिडी बैंक मुझे पैसा दे रही है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन मुझे पैसा दे रहा है जो आरबीआई की तरह नोटिफाइड है या कोई कोऑपरेटिव बैंक, तो वो डेफिनेटली डिपॉजिट तो नहीं कहलाएगा। ऐसा कोई भी अमाउंट जो मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन के मुख पर दिया गया, किसके द्वारा, पीएफआई के द्वारा। ऐसा कोई भी अमाउंट जो कमर्शियल पेपर इशू करके दिया गया, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट। और जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, जो बिल्स होते हैं, वो किसके द्वारा इशू होते हैं, आरबीआई के द्वारा, है ना। कमर्शियल पेपर्स होते हैं ना जो बैंक के थ्रू इशू किए जाते हैं, बिल्स। कोई और कंपनी के द्वारा लिया हुआ पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पैसा मैंने लिया इस रिसीव्ड और मैंने कोई भी ऑफर किया, पैसा लिया या मैंने कोई ऑफर दिया किससे रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। किसका सब्सक्रिप्शन, कोई भी सिक्योरिटी जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है। क्या लिया मैंने, एप्लीकेशन मनी लिया या एडवांस मनी लिया, तो मुझे डेफिनेटली अलॉटमेंट करना है। पैसा लिया हो तो अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अगर वो अलॉटमेंट, ध्यान देना, अगर वो अलॉटमेंट पेंडिंग है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 30 दिन के अंदर उन लोगों से एप्लीकेशन मनी इकट्ठा किया, अब मुझे अगले 60 दिन में अलॉटमेंट करना है। अब अगर 60 दिन में भी मैंने शेयर का या सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट नहीं किया, तो अगले 15 दिन में, 60 महीने, 60 दिन खत्म होने के बाद 15 दिन में मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर वो 15 दिन में पैसे वापस नहीं किया मैंने, तो 16वें दिन से वो डिपॉजिट कंसिडर हो जाएगा और उस पर लगेंगे फिर डिपॉजिट के रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी अमाउंट आपका अलॉटमेंट ना करने पर ड्यू नहीं होना चाहिए। ओके, देखो यहां लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट है, बोलता है अनलेस अदरवाइज कंपनीज एक्ट 1956 या सिक्योरिटी सेबी के एक्ट जो है ना 1992 के, या कोई भी रेगुलेशन अगेंस्ट के शेयर को, स्टॉक को, बॉन्ड को, डिबेंचर को विद इन स्पेसिफाइड पीरियड अलॉट किया जाता है और कंपनी को कोई अमाउंट मिलता है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिलता है उस शेयर पर, स्टॉक पर, बॉन्ड पर, डिबेंचर बिफोर 1 अप्रैल 2014 ना, और अपनी बैलेंस शीट में वो दिखाता भी है 2014 की बैलेंस शीट में, और उसका अगर अलॉटमेंट पेंडिंग है, इशू कब किया, पैसे कब मिले उसको, 1 अप्रैल 2014, मतलब मार्च में 2013 में वो डेफिनेटली दिखा चुका होगा अपनी कि मैंने ऐसा पैसा लिया हूं, और वो अमाउंट पेंडिंग है कब तक, 31 मार्च 2015 तक। तो कंपनी को, ध्यान देना, कंपनी को 1 जून से या तो पैसे को वापस करना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नहीं तो फिर वो कंसिडर क्या होगा, डिपॉजिट। क्या कंसिडर होगा, डिपॉजिट, अगर आपने उनको उस पूरे 1 साल में अलॉटमेंट नहीं किए तो। दूसरी बात, अगर आपने उस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया, जैसे आपको फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, उसने आपसे लोन वोन लिया है, तो आपने बोला कि यार वो लोन तो तुम्हें को देने वाला था ना, तो ये पैसा एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो बोलेगा नहीं, एडजस्टमेंट को रिफंड नहीं माना जाएगा।
या शट ऑफ नहीं किए जाते हैं, आपको अलग से पैसा वापस करना होगा। ये हुआ। फिर मतलब कोई अमाउंट अगर रिसीव हुआ किससे, कोई पर्सन से, किस 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 तरीके से, जब वो पैसा दे रहा था तो वो कंपनी का डायरेक्टर था या डायरेक्टर का रिलेटिव था, कौन सी कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी की। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है। अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिलेटिव, प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, उससे अगर पैसा लिया जाता है तो आपको डिटेल मतलब आपको फर्निश करना पड़ेगा कि इन लोगों ने पैसा दिया। देखो राइटिंग में लिखा है कि ये जो पैसा हम लगा रहे हैं ये हमने किसी और से लेके नहीं लगाया है, ये हमारा ही पैसा है, हमने किसी से ना बोरो किया ना किसी के बिहाफ में एक्सेप्ट किया है। ये डायरेक्टर को और उसके रिलेटिव को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और ये बात कंपनी कंपनी डिस्क्लोज करेगी इस डिटेल को वहां पर बोर्ड रिपोर्ट में। ये डिक्लेरेशन होता है, कोई और आके खड़े हो जाएगा नहीं तो कि मेरा पैसा वापस करो, भाई बताओ कि तुम्हारा ही पैसा है। ठीक है, अगर कोई पैसा आपने बॉन्ड के रूप में या डिबेंचर्स के रूप में अगर पहले आपने इशू किया है, फर्स्ट चार्ज क्रिएट कर कर या सेम चार्ज क्रिएट कर कर, फर्स्ट चार्ज के जैसा शेड्यूल 3 के हिसाब से, ठीक है, ध्यान देना उसमें कौन सी एसेट्स नहीं आएंगी, मैं पढ़ा चुका हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आएंगी। पढ़े थे इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी और बॉन्ड और डिबेंचर कंपल्सरी कन्वर्ट टू शेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन 30 ईयर्स। ठीक है, अगर आपने कोई भी, बोलो जल्दी बोलो, अगर कोई भी ऐसा बॉन्ड या डिबेंचर इशू किया है चार्ज क्रिएट कर कर जिनको आप कंपलसरी कन्वर्ट कराने वाले हो काय में 10 साल में, है ना, तो उसको भी डिपॉजिट कंसिडर कर लिया जाएगा अगर आपने उसे कन्वर्ट नहीं किया। उसके बाद इफ सच डिबेंचर और बॉन्ड आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ एनी एसेट्स इन शेड्यूल 3 एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल, अभी तो पढ़े अपन लोगों ने, द अमाउंट ऑफ सच बॉन्ड एंड डिबेंचर शेल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ सच सेट। सिंपल है, जो चीज गिरवी है ना, जो भी चार्ज है उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब जो लोन की मार्केट वैल्यू, वो उतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं जिस पर कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है और वो लिस्टेड है कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसको सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, उसको आप डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे, नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट है ना, इसको कर सकते हैं, यस सर, अगर आपने कन्वर्टेबल कंपलसरी कन्वर्जन है, और अगर आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हो और पैसा भी वापस नहीं कर रहे हो तो इट कैन बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, भूलना मत। अगर आपने कोई पैसा एम्प्लॉय से लिया है तो आप उतना ही लेना जिसकी उतनी उसकी जितनी एनुअल सैलरी है, ठीक है, अंडर दी माइक बहुत इजी एग्जांपल दिया हुआ है, आपने एक एम्प्लॉय से 2.5 लाख रुपए लिए, उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो 2 लाख थी, तो आप, कोई बच्चा बोलेगा सर 50,000 को माने क्या, डिपॉजिट नहीं, पूरे होल अमाउंट को ही डिपॉजिट मान, और वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट है, आप उस पर कोई इंटरेस्ट भी तो नहीं दे रहे हो उसको, जो ऊपर का पैसा आपने उससे ले लिया, तो बोलता है जो अमाउंट आपने रिसीव किया एम्प्लॉय रघु से विल बी कंसिडर डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ सब क्लॉज 10 10 एंड 9, ठीक है, ये पूरा अमाउंट होगा, पूरा का पूरा, पूरे 2.5 लाख को ही डिपॉजिट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, कोई ट्रस्ट के नाम पर अगर आपने पैसा लिया है, अमाउंट रिसीव किया, वो भी डिपॉजिट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अमाउंट लिया इन द कोर्स और द पर्पस ऑफ द बिजनेस, आपने किसी से, ध्यान देना, एडवांस लिया किस चीज को लेके, सप्लाई ऑफ गुड्स को लेके, कि आप सामान देने वाले हो या आप सर्विस देने वाले हो, ठीक है, और सच एडवांस इज अप्रोप्रिएटेड, कहां पर यूज होने वाला है वो, आप सप्लाई करोगे आपको एडवांस यूज होगा, आप सर्विसेज दोगे, अगर आपने वो सर्विसेज, अगर आपने वो सप्लाई ऑफ गुड्स पैसा लेने के 365 डेज में नहीं दिया, तो वो 365 डेज जैसे ही खत्म होंगे उसको, बोलो 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 जल्दी बोलो, उसे डिपॉजिट कंसिडर कर लिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई एडवांस है जिसको लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो उस पर ये 365 डेज वाला रूल अप्लाई कर, क्योंकि केस कब तक खत्म होगा किसी को नहीं पता ना, हमें नहीं पता 365 दिन में होगा कि नहीं होगा, जल्दी भी मांग सकते हैं पैसा, बाद में मांग सकते हैं। कोई एडवांस लिया आपने किससे रिलेटेड, कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है ना, अपन रजिस्ट्री कराते हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ना, कोई एग्रीमेंट को लेके, कोई अरेंजमेंट को लेके, सच एडवांस अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, समझते ना आपको, जैसे कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 10 लाख रुपए सामने वाले ने बोला भैया ये एडवांस है, उस एडवांस को डिपॉजिट मान लिया जाएगा अगर आपने एडवांस लेने के बाद में उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, समझा, होता है ना एक रजिस्टर्ड अमाउंट होता है ना, कि भी मैं बुक करा रहा हूँ तो ये लो 10 लाख रुपए रजिस्ट्री अमाउंट, तो अपने अगर आप उसको अमाउंट दे दिया और रिमूवेबल प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की, है ना, तो वो उस अमाउंट को डिपॉजिट कंसिडर कर सकता है एक समय के बाद। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं आते, पर कई लोगों से बोलते हैं कि भाई आप मेरे को पहले एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करो तब मैं आपको सर्विसेज दूंगा, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, कोई पैसा आपने लिया है एज एन एडवांस फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कैपिटल गुड्स होते हैं ना, बड़े बड़े मशीन के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसको लेके, वो भी डिपॉजिट नहीं है।
उसके बाद में कोई एडवांस लिया आपने कंसिडरेशन, मैं फ्यूचर में सर्विस देने वाला हूँ, किस रूप में, वारंटी के रूप में, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, गाड़ियों में होता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होता है, बट 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 अगर वो पीरियड जो सर्विस देने वाला पीरियड है वो 3 साल का होना मैक्सिमम, बोलो क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एक्सीड द पीरियड रेवेंट एज पर कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस, या तो जितना कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस में होता होगा कि भाई 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 5 ईयर्स, विच एवर इज लेस। सिंपल है ना यार, आपने मुझसे आज पैसा लिया और बोला अगले 5 साल तक आपको सर्विस दूंगा तो देना पड़ेगा ना, अगर 5 साल तक आपने मेरे को वो सर्विस नहीं दिया तो 6वें साल से मैं उसको डिपॉजिट कंसिडर कर लूंगा। अपन जब गाड़ी लेने जाते हैं तो इतना सारा पैसा देते हैं, वो किस चीज का होता है, सर्विसिंग का तो होता है, मेंटेनेंस का तो होता है। आपने एडवांस लिया, रिसीव किया या अलाउ, किसने दिया वो एडवांस आपको, सेक्टर रेगुलेटर, जैसे बैंकिंग कंपनी होती है तो आरबीआई से लेती है, किसके डायरेक्शन पर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पर। आपने कोई एडवांस लिया फॉर द सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन ऑफ एनी मैगजीन या न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है, इन सबको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत याद कर लेना। अब बोल रहा है कि जो अमाउंट रिसीव हुआ ए बी एंड डी में बिकम्स रिफंडेबल ड्यू टू द रीजन दैट कंपनी एक्सेप्टिंग द मनी डज नॉट हैव नेसेसरी परमिशन अप्रूवल व्हेन रिक्वायर्ड टू डील इन द गुड्स और प्रॉपर्टीज और सर्विसेज विद द मनी टेकन। साले जो गुड्स और सर्विसेज और प्रॉपर्टी को लेकर तुमको परमिशन ही नहीं थी बेचने को लेकर, तो तुम लोगों ने पैसा लिया क्यों, तो उस अमाउंट को रिफंड करो तुम लोग, और अगर तुमने रिफंड नहीं किया ए बी और डी में जो लिखा है तो उसे डिपॉजिट कंसिडर कर लिया जाएगा। और कब होगा वो अपन ने पढ़ा है ना मैंने आपको, 15th डे एक्सपायर होने पर, मतलब 16th डे से, डिबेंचर शेयर की बात हो रही है, बॉन्ड की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक के पास जाते हो ना तो बैंक क्या बोलता है, भाई साहब देखो मैं ना एक स्टिपुलेशन लगा रहा हूं, अगर मैं आपको पैसे दूंगा ना तो मैं चाहूंगा कि आपका प्रमोटर भी आपको पैसे दे, जब तक ऐसा नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है ना, सामने लेने कंडीशन लगा दिया, किसने लगाया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, कि आप इससे भी पैसा लो, ठीक है, तब मैं आपको, मतलब प्रमोटर भी 10 करोड़ लगाएगा तो मैं आपको 50 करोड़ का लोन दूंगा। अब इसकी कंडीशन क्या है, वो कौन सी कंडीशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने रखा, बैंक ने रखा, कि भैया लोन इज ब्रॉट, मैं तभी लूंगा जब मेरी कंडीशन को इम्पोज की गई है, किस पर, प्रमोटर के, वो भी पैसा लगाएगा, फिर लोन प्रमोटर ने जो दिया है या उसके रिलेटिव ने जो दिया है वो भी इसमें आ जाएगा, फिर ये एग्जेम्पशन अवेलेबल ओनली टिल द लोन्स, मतलब इसे डिपॉजिट कब तक नहीं माना जाएगा, जब तक आपने बैंक का पैसा वापस नहीं कर दिया, अगर आपने बैंक का पैसा वापस कर दिया तो प्रमोटर भी बोलेगा भैया मेरा भी दे दे, वो तो सिक्योरिटी के तौर पर रखा था, तो अगर आपने उसको पैसा वापस नहीं किया तो वो भी डिपॉजिट कंसिडर कर लिया जाएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 कंडीशन भूलना मत। ये स्टिपुलेशन किसने रखा है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने रखा है, कि भाई साहब मैं तभी पैसे दूंगा जब ये पैसे देगा, कोई निधि कंपनी का जो पैसा है वो भी डिपॉजिट नहीं होगा उसके मेंबर्स के द्वारा जो रखा जाता है, सब्सक्रिप्शन चिट फंड डिपॉजिट नहीं है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो पैसा आया डिपॉजिट नहीं है, आपने अगर 25 लाख रुपए लिए किसी से और मोर एज ए स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट के, आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और ए सिंगल ट्रांच में लिया आपने, मतलब वो 25 लाख रुपए आपने एक बार में लिए, वन टाइम, ठीक है, इसको भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्टार्टअप कंपनी क्या होती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है जो 2013 कंपनी एक्ट को फॉलो करे, ठीक है, कौन सी, किन कंपनियों ने उसको सर्टिफिकेट दिया, किन डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कन्वर्टेबल नोट का मतलब क्या होता है, आपको ऑफर दिया गया है कि इनिशियली वो जो डेट इशू की गई है वो आगे जाके आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं काय में, इक्विटी शेयर में, कुछ स्पेसिफाइड इवेंट होने के बाद में, जैसे कि इतना टर्नओवर हुआ तो कन्वर्ट हो जाएगा, कंपनी इतनी बड़ी हुई तो कन्वर्ट हो जाएगा, कंपनी को अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के रूप में, कोई डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड से इनिशियली लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये बड़े बड़े जो अमाउंट मिल रहे हैं कंपनी को, ये सब भी सेबी के अंदर, इसे भी डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है अगर प्राइवेट कंपनी को कुछ पैसा मिलता है मेंबर, डायरेक्टर, उनके रिलेटिव से, कब, बिफोर 1 अप्रैल 2014 को, उसे डिपॉजिट कंसिडर करना है कि नहीं करना है, ये सब क्लैरिटी आ चुकी है कब, 2014 के बाद जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, लिखा है ना, नॉट टू बी ट्रेडेड, इसके पहले जो अमाउंट लिया गया, लॉ आने के पहले जो अमाउंट लिया गया इन लोगों से, उसको डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि लॉ ही नहीं आया था ना, बट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि ये इतना इतना अमाउंट मुझे इन लोगों से मिला है, डिपॉजिट कंसिडर तो नहीं होगा वो, 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर अमाउंट मिला इन लोगों से, ठीक है भाई साहब। डिपॉजिटर की डेफिनेशन क्या है, बहुत बढ़िया, एनी मेंबर, ऐसा कोई भी मेंबर जो कंपनी में डिपॉजिट जमा करे, कंपनी के कौन से सेक्शन को फॉलो करे, 73(2) को, 73(2) को, 73(2) को, Rule 21D बोलना मत, या ऐसा कोई भी पर्सन जो डिपॉजिट दे किसको, पब्लिक कंपनी में, अकॉर्डिंग 76 को, 76 को मेंबर कौन देगा, 73 में, पब्लिक कौन देगी, 76 में,
या फिर एनी मेंबर ऑफ अ प्राइवेट, एक ही बात देखिए, एनी मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और रिपब्लिक कंपनी, या पर्सन जो जनरल पब्लिक देगा, किसको? पब्लिक कंपनी को। मेंबर तो दोनों में आ जाएंगे, ठीक है। अब पब्लिक सिर्फ पब्लिक किसमें की, पब्लिक कंपनी में एलिजिबल कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एलिजिबल कंपनी क्या होती है, 76(1) क्या बोल रहा है, 76(1) क्या बोल रहा है, जिसका नेटवर्थ कितना होगा नॉट लेस देन 100 करोड़, बिल्कुल सही है, उसका टर्नओवर और टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़, बिल्कुल सही है, एंड 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 में लिखा है, जिसने परमिशन लिया जनरल मीटिंग में बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी किसको फाइल किया, आरओसी को, उस इनविटेशन देने के पहले, उसी को हम एलिजिबल कंपनी बोलेंगे। 100 करोड़ का टर्नओवर है या फिर आपने 500 करोड़ का, सॉरी 100 करोड़ का नेटवर्थ है या आपने 500 करोड़ का टर्नओवर लिया है पिछले साल में, तो आप एलिजिबल है क्या इशू करने के लिए पब्लिक डिपॉजिट, मगर उसके लिए आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आरओसी के पास उसको फाइल करना पड़ेगा इन्वाइट करने के पहले। जो एलिजिबल कंपनी है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन द लिमिट ऑफ 181C, वो भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके कर सकती है। व्हाट इज ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अगर कोई कंपनी का पब्लिक डिपॉजिट, उसके ध्यान देना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर होगा, अंदर होगा, इसके अंदर होगा, इससे कम होगा तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा 181C के अनुसार, ठीक है। Eligible company can accept deposit from public at large, but it should be a public company. 100 करोड़ का net worth या फिर 500 करोड़ का turnover पिछले financial year में, special resolution pass करना पड़ेगा, consent लेनी पड़ेगी general meeting में, उसको file करना पड़ेगा ROC के पास में, जो ऊपर लिखा था उसको नीचे points में एक ही बात है, और अगर वो limits के अंदर है तो क्या पास करना पड़ेगा, resolution, ordinary resolution। 181C क्या है मैंने बता दिया आप लोगों को, कौन सी limit के अंदर अपने पैसा issue किया है, paid up share से कम plus free reserve plus security premium account। कुछ प्रोहिबिशन है, बोलना नहीं है प्रोहिबिशन क्या है, वो अपने को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्प्टेड कंपनी है, किन कंपनियों को एग्जेम्प्टेड होगा, इन कंपनियों को ये सब रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो हम लोगों ने ऊपर इतनी सारी लिमिटेशंस पढ़ी, बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसी कंपनी को, एचएफसी को, और ऐसी कंपनी जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इन पे डिपॉजिट के रूल्स नहीं लगेंगे, ठीक है। पासिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास अ रिजोल्यूशन, बिल्कुल भाई, क्या लिखा है, अगर आप अपने मेंबर से पैसे ले रहे हो, मेंबर से पैसे ले रहे हो, मेंबर से, तो आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 73 में, अगर आप अपने मेंबर से पैसे ले रहे हो, बिल्कुल सर पास करना पड़ेगा, आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर से ले रहे हो ना, आपको काय को एडवर्टाइजमेंट इशू करने की जरूरत है, अपने मेंबर को बताओ, एक स्टेटमेंट शो करो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, अपनी क्रेडिट रेटिंग बताओ, जो तुमको मिली है 3-star, 2-star, DC जो भी मिला हुआ है, कितने डिपॉजिटर है वो बताओ, कितना अमाउंट ड्यू है वो बताओ, पिछले साल का अगर कोई अमाउंट ड्यू है तो वो भी बताओ उन लोगों को, ये सब आपको सर्कुलर में डालना पड़ेगा। क्या क्या डालना पड़ेगा, जल्दी बोलो, फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट रेटिंग, नंबर ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस डिपॉजिट। रूल 4 क्या बोल रहा है, कंपनी शेल इशू सच सर्कुलर टू ऑल इट्स मेंबर, उनके रजिस्टर्ड पोस्ट पे भेज दो, साथ में एक एक्नॉलेजमेंट भी भेजो, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी, इन द फॉर्म DPT1, DPT1 में जाएगा सर्कुलर में, DPT1 सर्कुलर को पब्लिश भी कर दो साले को, क्यों, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में और वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट में। साथ में अगर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेंबर को भरोसा नहीं है आप पर, तो साथ में एक सर्टिफिकेट भी बना के भेजो, किसकी साइन के साथ में, किसका डिक्लेरेशन, स्टेटरी ऑडिटर, वो बताएगा आपको, अटैच कर देना DPT1 में कि कंपनी ने किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया है, रीपेमेंट को लेके ना इंटरेस्ट को लेके ध्यान देंगे, प्लीज भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना इस कानून में, ना इसके पहले आने वाले कानून में, ना पिछले कानून में, ना इस कानून में। और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी था, और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया भी था क्या, एक्सेप्टेंस को लेके या पेमेंट को लेके, कानून के पहले या कानून के बाद में कोई डिफॉल्ट किया भी था, तो कंपनी, ध्यान देना, कंपनी उस पैसे को पे कर चुकी है, और उस बात को 5 साल, बोलो जल्दी, उस बात को 5 साल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अरे बोलो ना यार, बिल्कुल सही है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर आप दे देना, किसके नाम पर इशू है वो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पर। एडवर्टाइजमेंट कितने दिन तक रहेगा सर वैलिड, बहुत इंपॉर्टेंट, अर्लीएस्ट बोल रहा है, अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट अप टू 6 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या तो 31 मार्च के बाद 6 महीने जब है ना, जब वो इशू हुआ है, और या डेट ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लेड बिफोर द कंपनी एट द एनुअल जनरल मीटिंग, और अगर AGM नहीं हुई है तो उसका जो भी लेटेस्ट डे होगा ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड, जब भी होने वाली थी सबसे पहला दिन, उसके हिसाब से लेंगे आप, ठीक है। अगर AGM में नहीं रखे ना, AGM में नहीं रखे, तो फिर एक काम करना, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद में 6 महीने की वैलिडिटी तो रहेगी जाएगी, ठीक है, ओके। और यार अगर AGM नहीं हुई तो जिस दिन होने वाली थी उससे काउंट कर लेना, वो दिन को फ्रेश सर्कुलर लगेगा हर बार, जब भी आप सक्सेडिंग ईयर में
फाइनेंशियल में इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। जब भी नए डिपॉजिट इश्यू करोगे मेंबर से उसके लिए फ्रेश सर्कुलर लगेगा। ठीक है, डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले ही जीएम होते हैं, बाद में नहीं होती। अगर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो 6 महीने, ठीक है, क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इश्यूड, कभी भी आप इतनी वैलिडिटी होगी, या फिर अगर जिस दिन आप एजीएम करने वाले थे उस दिन और नहीं हुई तो जो भी लेटेस्ट डेट होगी उसकी, जिस दिन होने वाली थी उससे आप 6 महीने काउंट कर लेना। उसकी जिस दिन आप सर्कुलर बनाओगे उसकी एक कॉपी आप क्या करना, रजिस्ट्रार को भेज देना 30 दिन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DRR बना लो भैया। कंपनी को क्या करना, जब जब भी डिपॉजिट इशू करेगी तो 30 अप्रैल या 30 अप्रैल के पहले हर साल अपना 30% अमाउंट कहां पर जमा करा देना, बोलो अमाउंट ऑफ जो भी उस साल का डिपॉजिट कर, उस साल का रिपेमेंट उसका 20% आपको एक शेड्यूल बैंक में अलग से रख देना है DRR के नाम से, डिपॉजिट रिजर्व रिपेमेंट रिजर्व। ठीक है, शेड्यूल बैंक में, और वो पैसा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, वो जो रिपेमेंट है उसी के लिए यूज होगा। सर्टिफिकेशन हैज नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट, और कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमने किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया है पिछले डिपॉजिट्स को लेकर, ना इस कानून में ना पिछले कानून में, और अगर किया था तो उस हमने उसके पैसे चुका दिए और उस बात को 5 साल खत्म हो चुके हैं, ये डिक्लेरेशन आपको देने पड़ेंगे। कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ एनी फॉर द ड्यू रिपेमेंट, अगर कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है तो सिक्योरिटी जमा करो, भरोसा नहीं है आगे जाके और पैसा डुबा दिए तो आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा एसेट्स पर। और अगर कंपनी ने सिक्योर्ड नहीं की है डिपॉजिट को, बोलो ना अगर पार्शियल सिक्योरिटी, बोलते ना अगर 1 लाख के डिपॉजिट पर 50,000 की सिक्योरिटी भी है तो उसे भी अनसिक्योर्ड ही माना जाएगा, पूरा करना भाई। और ये बात आपको सर्कुलर में एडवर्टाइजमेंट में बतानी पड़ेगी, पार्शियल चार्ज को भी अनसिक्योर्ड ही माना जाता है। ये कुछ एग्जेम्प्टेड कंपनियां जिन पर क्लॉज ए टू सी ये सब नहीं लगने वाला है मेरे भाई लोग, सर्कुलर को लेके जो था इतने सारे, कौन सी कंपनियां हैं सर, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने मेंबर से पैसा लिया जो एक्सीडिंग नहीं है कितना उनका पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व और ट्रिगर्ड मिनिमम के 100% से ज्यादा नहीं है, मतलब 181C के अंडर आ रहा है। जो स्टार्टअप कंपनी है जिसको 5 साल हुए अभी तक तो उन पर ये सब रूल्स लागू नहीं है, या फिर एक ऐसी कंपनी है जो ना बोलो जो उस कंपनी की जो ऊपर वाली कंपनी ना उसकी वो एसोसिएट है ना वो उसकी सब्सिडियरी है, या फिर वो कंपनी ने बोरो किया था क्या बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बॉडी कॉर्पोरेट से लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ मोर विच एवर इज लोअर, उसका जो भी पेड अप शेयर कैपिटल होगा उससे आधे से भी आधा उन्होंने क्या लिया था, बोरिंग्स की थी है ना, या 50 करोड़ की बोरिंग थी जो भी कम आएगा आधे से भी आधा, ओके उसके पेड अप शेयर कैपिटल से आधे से भी आधा, या फिर उस कंपनी ने किसी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं किया है रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो इन कंपनियों पर इतने सारे रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाने की कोशिश की है, ए टू सी से लेके एंड ई को लेकर 73(2) में रीपेमेंट करनी पड़ेगी एज पर द एग्रीमेंट है ना। अगर कंपनी रीपे नहीं कर पाई प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट तो आप ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कंपनी को कि भैया अमाउंट जो ड्यू वो पे करो, जो भी लॉस हुआ वो पे करो इन लोगों को, ठीक है, DRR में रखा हुआ अमाउंट कहीं और यूज नहीं करना है, 73(5) बोल रहा है, शेड्यूल बैंक में जो आपने रखा है किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। कंपनी इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स विच इज रिपेबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड कैसे करोगे भाई, सब कोई चेक थोड़ी ना है, ऑन डिमांड वाले तो इशू करने ही मत और लेस देन 6 वाले भी इशू मत करना, 36 मंथ से ज्यादा तो वैसे ही नहीं होता है ना। इन्हें 1 लाख रुपए जमा किए 1 अप्रैल 2019 को, अर्लीस्ट रिपेमेंट डेट जो थी वो डेफिनेटली 6 महीने तो रहेगी ना यार कम से कम, तो ना ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 31 मार्च 2022, 6 महीने से 36 महीने, फिर यहाँ एग्जेम्पशन भी 36 महीने वाले को लेके, 6 महीने को लेके, अगर 6 महीने से कम के लिए अमाउंट चाहिए भी तुमको अर्लियर देन 6 मंथ तो फिर कुछ कंडीशन है, टोटल जितना भी डिपॉजिट इशू करने वाले थे ना तुम्हें 6 महीने से कम के लिए, तो जो भी टोटल डिपॉजिट होगा उसका 10% इशू करना है यहाँ पर, जैसे 100 करोड़ लेने वाले थे यहाँ 10 करोड़ इशू करना, और वो 10 करोड़ किसका, मतलब 10% किसका निकालोगे तुम, पेड अप शेयर कैपिटल का, फ्री रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम का। और मिनिमम कितना टाइम के लिए इशू करना, 3 या 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम, 2 महीने 1 महीने के लिए नहीं, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका 10% इशू करोगे भाई, जो भी टोटल डिपॉजिट तुम इशू वाले करो तो उसका 10%, और वो 10% किसका निकालोगे, पेडअप का, फ्री रिजर्व का, सिक्योरिटी का। मैक्सिमम कितना लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सर मेंबर से कितना लेंगे मैक्सिमम, लोग जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और इस साल का जो भी हम नया इशू कर रहे हैं उसका 35% किसका, 35% पेडअप फ्री सिक्योरिटी पिछले साल का मिला कभी। और अगर कोई IFSC वाली कंपनी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो वो अपने मेंबर से ले सकती है, कम से कम बोलो नॉट एक्सीडिंग मतलब 100% तो ले सकती है, किसका 100%, ये तीनों का,
और डीपीटी 3 में आपको वो डिटेल देनी पड़ेगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आईएफएससी कंपनी। फिर उसमें लिखा है जो मैक्सिमम लिमिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मेंबर शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो अभी स्टार्टअप है जिसको 10 साल ही हुआ, उस पर सब रूल एप्लीकेबल नहीं जो ऊपर पत्ते सारे पढ़ रहे। प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन को फुलफिल करते, तो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को पढ़ाया ना, वो किसी की ना ऊपर वाली कंपनी की एसोसिएट है ना ऊपर वाली कंपनी की सब्सिडियरी है, उन्होंने जो बोरिंग की थी वो आधे से भी आधी है या फिर 50 करोड़ है, व्हिचएवर इज लेस है, या उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किए पिछले किसी भी रिलेटेड डिपॉजिट से रिलेटेड। ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे। सीलिंग रेट कितना है वो एनबीएफसी ब्रोकरेज रेट होता है ना, 12 महीने 24 महीने 36 महीने का ब्रोकरेज रेट, वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है भैया? आरबीआई करेगा। एनबीएफसी में कंपनी कितना ब्रोकरेज रेट देगी है ना, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, ये सब आरबीआई डिसाइड करेगा। क्लियर है? फिर ये आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे, बहुत ईजी है। जॉइंट नेम पर अगर मैक्सिमम कितने लोग खरीद सकते हैं? 3 लोग ले सकते हैं डिपॉजिट, ध्यान देना भूलना मत। अब या तो वो जॉइंट में भी एक्सेप्टेड विथ विदाउट एनी ऑफ द क्लॉजेस, या तो जॉइंटली लेंगे या आइदर लेंगे या सर्वाइवर लेंगे जिसका पहला नाम लिखा है, या उसमें से जो भी बच जाए किसी को भी दे दो, जो बच जाए। ये क्लॉजेस क्या है पहले समझ लो आप लोग, ये मैच्योरिटी पर ऑपरेट होगा। एबीसी ने अगर जॉइंटली पैसा लिया, एक लगाया कंपनी में 1 लाख रुपए, अगर जॉइंटली वाला क्लॉज लिखा हुआ है तो क्या लिखा होगा? जब मैच्योरिटी आएगी सबको पैसे मिलेंगे, और अगर तीनों निपट गए तो उनके सर्वाइवर को साथ में, एंड एंड एंड। अगर आइदर लिखा है और सर्वाइवर लिखा, हम में से किसी को भी, हम में से जो भी बच जाए उसको, तो लिखा है या तो ए को देंगे, बी को देंगे, सी को देंगे, इनमें से इनके किसी भी सर्वाइवर को दे देंगे। अगर फर्स्ट नेम और सर्वाइवर जिसका नाम लिखा है वो, अगर वो मर गया जिसका नाम पहले लिखा था, नहीं तो सर्वाइवर रहेगा उसको। अगर ए का नाम फर्स्ट है तो ए को, या फिर जो बच जाएगा उसको, एनी वन और सर्वाइवर, किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइदर और सर्वाइवर नॉमिनेट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ टाइम में, मेरे डेथ के बाद इसको जाएंगे। डिपॉजिट रिसिप्ट इशू होती है पैसा लगाने के 21 दिन के अंदर, है ना? पैसा कैसे लगाया आपने? कैश के रूप में, रियलाइजेशन ऑफ चेक होगा तब से डिसाइड होगा 21 दिन। ठीक है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट कंपनी मेंटेन करती है। प्रीमैच्योर रिपेमेंट्स नॉर्मली तो अलाउ नहीं है, हर साल 30 जून को बताना पड़ेगा आपने कितना डिपॉजिट वापस किया डीपीटी 3 में। ठीक है, तो टर्म्स और कंडीशंस आप लोगों ने बनाई थी डिपॉजिट ट्रस्ट डीड को लेके, ट्रस्टी को लेके, वो आप चेंज नहीं कर सकते अगर वो डेट्रीमेंटल है फॉर द डिपॉजिटर। आपको डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे एज ए पब्लिक कंपनी बाय वे ऑफ नोट अबाउट द मनी जो हमने पैसा लिया। प्राइवेट कंपनी भी डिस्क्लोजर डालेगी बाय वे ऑफ नोट जो हमने पैसा लिया, किससे? डायरेक्टर से और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से। रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे आपको, पेनल्टी लगेगी अगर कंपनी रिपे नहीं कर पाई तो, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर प्रोविजंस है रिगार्डिंग पब्लिक से अगर पैसा लिया जाता है तो, पब्लिक से अगर पैसा लिया जाता है तो एलिजिबल कंपनी ही ले सकती है पब्लिक से पैसा, मतलब हर कंपनी तो एलिजिबल नहीं है, तो क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। ध्यान दो, अभी तो आप लोगों ने पढ़ लिया, बहुत ईजी था यार। 100 करोड़ का नेटवर्थ या 500 करोड़ का टर्नओवर, आप अब पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, आप ही को एलिजिबल कंपनी बोला जाएगा अदर देन इट्स मेंबर्स। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन, समझ में आ रहा है? और अगर वो एलिजिबल कंपनी, जल्दी बोलो, पेड अप शेयर कैपिटल, अगर वो उसका जो ऊपर का जो अमाउंट ले रहा है ना, वो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से अंदर है उसकी लिमिट, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी बात बन जाएगी। एलिजिबल कंपनी को कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, किसके आधार पर? नेटवर्थ के आधार पर, लिक्विडिटी के आधार पर, उसकी पेइंग कैपेसिटी के आधार पर रेटिंग मिलती है, वो रेटिंग पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है। हर साल लेनी पड़ेगी, हर साल बताना पड़ेगा। प्रीमेच्योर इसी के आधार पर होता है कि भैया आपकी रेटिंग खराब है, पैसा दे दो मेरे को। चार्ज करना पड़ेगा एसेट्स को, सिक्योर्ड करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर पैसा लेने का? 30 दिन के अंदर, है ना? और जो चार्ज की अमाउंट है, मतलब जो चार्ज की वैल्यू रहेगी, वो डिपॉजिट से कम नहीं होना। ठीक है, अगर, और हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स पर चार्ज क्रिएट नहीं करना है। जो टोटल वैल्यू रहेगी चार्ज की, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जितनी होनी चाहिए उससे कम नहीं, है ना? ये वैल्यू कौन निकालेगा एसेट्स की, कि कौन सी वैल्यू, कौन सा चार्ज होंगे, वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर निकालेगा। और ट्रस्टी के नाम पर भी होगी, जो डिपॉजिट ट्रस्टी होते हैं, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चारों कंडीशन भूलना मत। जो टेन्योर है वो 6 महीने से कम का नहीं होना चाहिए, पढ़ा दिया। अगर 6 महीने से कम का है तो वो 10% से ज्यादा, 10% से, मतलब नेटवर्क से किसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए? फ्रीड अप का, फ्री का और सिक्योरिटी का। और ऑन डिमांड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ऑन डिमांड है भी तो वो 3 महीने से ज्यादा 6 महीने से कम का होना चाहिए।
ट्रस्टी को लेके अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी बोलो। एक से ज्यादा ट्रस्टी अपॉइंट हो सकते हैं। रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी सर उन लोगों से अपॉइंटमेंट के पहले। इस बात का जिक्र आपको कहाँ करना पड़ेगा? मेंबर है तो सर्कुलर, पब्लिक है तो एडवर्टाइजमेंट में, रीजनेबल इफेक्ट के साथ। ट्रस्टी कौन है, कंपनी उनके नाम पर क्या बनाएगी? डीपीटी फॉर्म के साथ में एटलीस्ट 7 दिन पहले सर्कुलर में देखो लिखा ना, एक डिपॉजिट ट्रस्टी बनाएगी कौन से फॉर्मेट में? DPT 2 में, और 7 डेज बिफोर इशूइंग द सर्कुलर एंड सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आपको ये बात बतानी पड़ेगी ना लोगों को सर्कुलर के पहले कि हमारे ट्रस्टीज है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आगे, कौन ट्रस्टी नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट है भैया। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी दैट इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रस्टीशिप। इन लोगों को आप, इफ द प्रपोज ट्रस्टी कंपनी का डायरेक्टर है नहीं होगा, कंपनी का KMP है नहीं होगा, कंपनी का कोई ऑफिसर है, कौन सी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, उन्हीं की सब्सिडियरी, उन्हीं के एसोसिएट, या कंपनी का कोई डिपॉजिटर है, तो उसको ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा। उसका कंपनी से कोई लेन देन है, उधारी है, उसको ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा। किस कंपनी से? उसकी कंपनी से, उसकी सब्सिडियरी से, उसकी होल्डिंग से, उसके एसोसिएट कंपनी से, या उसकी होल्डिंग की सब्सिडियरी से, या उसका कंपनी से कोई ऑलरेडी पिक्यूनरी फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, या कंपनी कंपनी और उसके बीच में गारंटी को लेकर रिलेशनशिप है, तो बिल्कुल नहीं होगा। या फिर वो क्लॉज ए से कोई रिलेटेड आदमी, रिलेटिव है उनका, पांच कंडीशन पे उस आदमी को ट्रस्टी बनाया नहीं जाएगा। और ट्रस्टी को बिना पूछे नहीं हटाना है टर्म से पहले, ठीक है? या तो आप पूरे डायरेक्टर की कंसेंट ले लो, फिर हटा सकते हो उसको आप बोर्ड में। कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होंगे, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो आपको बोर्ड मीटिंग में रखना पड़ेगा। मेंबर से कितना लोग अपन पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मेंबर से कितना लोग के 10%, अदर देन मेंबर से कितना लोग के 25%, टोटल कितना हो गया 35%। ये सब 10 और 25% किसका है? पेड अप, फ्री और सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, क्लियर है? गवर्नमेंट कंपनी को ही अलाव है सिर्फ 25%, वो मेंबर 10 है और इधर नॉन मेंबर से 25 है। गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से ले सकती है 35%। सर्कुलर इशू करना है, मैं पढ़ा चुका हूँ भाई लोग, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट में नाम पे जाएगा ना, पब्लिक है तो DPT 1 वहां भी और पब्लिश भी कर दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वेबसाइट पर डाल दो, तीन चीजें भूलना मत। और किसके नाम पर होगा? वो बोर्ड के नाम पर, ठीक है? इश्यू होने के 30 दिन पहले उसको रजिस्टर को फाइल कर दो। वैलिडिटी 6 महीना, किधर से 6 महीना? क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, या फिर और जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेट किए गए बिफोर AGM में, उससे आप टाइम पीरियड ले लोगे। और इनके नो AGM, अगर नो AGM नहीं हुई तो जो भी लेटेस्ट डे होने वाली, तो उससे आप काउंट करोगे उसका टाइम पीरियड। हर नए डिपॉजिट के लिए नया एडवर्टाइजमेंट लगेगा, ऐसा पड़ा हुआ है। आपको हर साल अपने DRR मेंटेन करने होंगे 20%, जो भी उस साल का डिपॉजिट अमाउंट है, और DRR अकाउंट में रख देना होगा, वो पैसा कहीं और जिसके लिए यूज नहीं होगा 30 अप्रैल के पहले आपको जमा करना होगा। मार्च में पता चलता है ना कितना अमाउंट देना है, तो इसलिए 30 अप्रैल तक जमा कर ही देना होगा। कहां पर रखोगे? शेड्यूल बैंक में, सेपरेट बैंक अकाउंट में। उसका नाम क्या रहेगा? डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है? इससे गिरना नहीं चाहिए, वो इतना तो होना ही चाहिए जितना भी अमाउंट उस साल मैच्योर होने वाला। ये आप पढ़ लेंगे, ये भी आप पढ़ लेंगे, इजी एप्लीकेशन। जॉइंट नेम वाला पढ़ा दिया, नॉमिनेशन पढ़ा दिया, जीते जी बना दो, मरने के बाद किसी और के पास रखा। डिपॉजिट रिसीट, पैसा मिलेगा 21 दिन के अंदर, मतलब पैसा जब भी कंपनी के पास आए कैश के रूप में या रियलाइजेशन ऑफ चेक के रूप में। ये रजिस्टर आप लोग पढ़ सकते हैं, कंपनी को एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ता है, उसमें नाम, एड्रेस, पैन, पर्टिकुलर्स, गार्जियन को लेकर, जीरो माइनर है डिपॉजिटर, नॉमिनी के बाद, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, जो भी पैसा आपको मिला, कब मिला, कितना अमाउंट मिला, ड्यूरेशन के 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ड्यू डेट कितनी है, इंस्ट्रक्शन और मैंडेट। अगर आपने बोला कि भाई डिपॉजिटर भी बोलता है ना कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेरा पैसा मेरे को दो या किसी और को दो। डेट ऑन डे और डेट्स ऑन विच पेमेंट और मेल बी मेड और पर्टिकुलर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ चार्ज एंड आइडिया रिलेवेंट है। ये सब एंट्री कब करनी है? पैसा मिलने के, बोल लो भाई लो, ये एंट्री कब करनी है आपको? पैसा मिलने के 7 दिन के अंदर। कौन करेगा? डायरेक्टर और सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर। संभाल के रखने का कम से कम 8 साल, मेच्योरिटी डेट से 8 साल तक संभाल के रखना। प्रीमेच्योर रिपेमेंट नहीं है सर, अलाउ नहीं है, बिफोर द डेट अलाउ ही नहीं है, 6 महीने के बाद और रिपेमेंट के पहले। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, अगर डिपॉजिटर ने रिक्वेस्ट किया कि प्रीमेच्योर रिपेमेंट कर डालो, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको नॉर्मली मिलने वाला था, उससे 1% कम मिलेगा, समझेगा भाई लोग, सब कम मिलेगा है ना। इफ कंटेन एनी पार्ट ऑफ द ईयर विच इज लेस देन द 6 मंथ, इट शेल बी एक्सक्लूडेड, अदरवाइज इफ पार्ट ऑफ 6 मंथ मोर देन, इट शेल बी रिकवर्ड ईयर। मतलब अगर आपने 24 महीने के लिए डिपॉजिट लगाए और आप 12 महीने खत्म हो गए, अब अगर आप ध्यान देना प्लस 6 मंथ, अगर इसके बाद आप प्लस 6 मतलब 18 महीने, अब या तो 18 महीने या 18 महीने से ज्यादा में अगर आप प्रीमेच्योर करें तो उसको 24 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, समझा? और अगर आपने 24 महीने के लिए पैसे लगाए और आपने फॉर एग्जांपल के तौर पर 12 महीने खत्म हुए, आपने अगले 4 महीने में पैसे मांग लिए, तो 12 4 कितना, वो 16, मतलब 18 से कम है, अगले साल के 6 महीने से कम है ना, तो उसे 12 महीने का इंटरेस्ट अकाउंट होगा। मोर देन 6 मंथ्स होगा अगले साल का, मतलब मेच्योरिटी से कम, बट अगले अगले साल के 6 महीने से ज्यादा है, 1 साल का इंटरेस्ट काउंट हो।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमेच्योर अलाउ नहीं है, प्रीमेच्योर अलाउ नहीं है, है तो 1% इंटरेस्ट कम मिलेगा। क्यों किया जाएगा? टोटल अमाउंट को कम किया जाता है, और या फिर प्रीमेच्योर और कब का अलाउ है? टोटल अमाउंट को कम करने के लिए, क्योंकि लिमिट के बाहर जा चुका है। कौन सी लिमिट सर? वही प्रीपेड शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व वाली। जैसे कोई वार जैसी सिचुएशन हो गई है, इन लोगों को बेनिफिट देने के लिए, आप इन लोगों ने अगर पैसा लगाए होंगे ना, तो इनका पैसा वापस करने के लिए आप कर सकते हो प्रीमेच्योर पेमेंट्स। ओके, ये ठीक है, ये भी हो गया। रिटर्न आप पढ़ लेंगे DPT 3 में, आपको 31 मार्च को हर साल बताना पड़ेगा ROC को, कब बताना पड़ेगा, जो भी पर्टिकुलर 31 मार्च के, कब बताना पड़ेगा, 30 जून के पहले, 30 जून के पहले या 30 जून को DPT 3 में, कि किस किस को पैसा वापस किया, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी आपको, कितना पैसा वापस किया, उसके डिस्क्लोजर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने पड़ेंगे आप। पेनाल्टी रेट अल्टर मत कर देना टर्म्स एंड कंडीशन को बिना पूछे, कॉन्ट्रवेंशन, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात भाई। ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट आप लोग पढ़ लेंगे कि अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया तो क्या पनिशमेंट होगा, इंपॉर्टेंट है। मगर रीपेमेंट बिफोर कमेंसमेंट 2013 के पहले की बात बोल रहा है वो, है ना, 2013 के पहले की बात बोल रहा है भाई लोग, अगर रीपेमेंट को लेके बोल रहा है भाई, एक काम कर, अगर कंपनी ने स्टेप्स ले ली, देख क्या लिखा है, रिमेन अनपेड है कब, 1/4/2014 नया रूल आ गया, तो बोलते कंपनी क्या करिए, फाइल विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द सर्च कमेंसमेंट, नया रूल आया ना 3 महीने के अंदर बताओ कितना पैसा बाकी है, नया रूल आ गया तो बोलेगा सर नए रूल के हिसाब से करना पड़ेगा, तो समय दो, तो बोलते पहले तो 3 महीने के अंदर तो बताओ, तो 1/4/2014 के बाद कितना पैसा बाकी है, तुम स्टेटमेंट दो डिपॉजिट को लेकर, कितना पैसा तुमने लिया था, कितना अमाउंट बाकी है, कितना इंटरेस्ट है ना, पूरे अरेंजमेंट्स के, तुमने पैसा कहाँ से जुगाड़ करने वाले हो तुम, ठीक है, एंड साथ में रीपे विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम सर्च कमेंसमेंट, और 3 साल का टाइम दे रहे हम तुम लोग, या फिर जब भी एक्सपायरी, ठीक है ना, ये भी जब भी एक्सपायरी हो जाएगी एज अर्लियर। अरे तो आपने मान लो 1/4/2014 को के पहले जस्ट ही डिपॉजिट लिया, तो नया रूल आ गया, तो बोलता भाई अगर वो 12 महीने का होगा तो 12 महीने में दे देना, नहीं तो फिर, है ना, समझ रहे ना, अगले 12 महीने में पैसा वापस कर देना विद इन 3 मंथ्स ऑफ द कमेंसमेंट और बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड व्हिच ऑफ द डिपॉजिट वर एक्सेप्टेड व्हिच एवर इज अर्लियर। ये तो अगर ड्यू डेट पे लेगी तो ड्यू डेट पे दे देना, नहीं तो 3 साल के अंदर दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, व्हिच एवर इज अर्लियर। कब लिया पैसा आपने, इंपॉर्टेंट है, अनपेड है कब, 1/4/2014 पे, या फिर उसके बाद ड्यू होने वाला है, पहले तो अगले 3 महीने में बताओ तुम कि तुम्हारा क्या अरेंजमेंट है, कितना पैसा लिया, कितना अनपेड है, ठीक है, और उसके फिर जो भी तुम्हारी 1/4/2014 के अगले 3 साल के अंदर पैसा दो, 3 साल में दो, या फिर जो भी एक्सपायरी डेट आएगी उनकी, जो भी डेट आने उस पर दे देना पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन मिलेगा क्या, एक्सटेंशन मिलेगा क्या, कंपनी अगर बोलेगी कि हमारे पास पैसा नहीं है थोड़ा समय दो फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, एक्सटेंशन मिल सकता है क्या, मिल सकता है, और नहीं किया तो फिर फाइन है, अगर एक्सटेंशन नहीं किया तो फिर फाइन है, ये समझा, इट इज अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। एक्ट के आने के 3 साल में, है ना, नया एक्ट है ना, 3 साल तो लगेगा ना भाई, ट्रांजेक्शन फेज होता है, या फिर जो भी एक्सपायरी पीरियड, 3 साल के पहले भी तो एक्सपायरी पीरियड आ सकती है, तभी वापस कर देना, विच एवर इज अर्लियर। पहले चैप्टर खत्म हो गया, तुरंत क्वेश्चन कर लेना भाई लोग इसके, तुरंत 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 तुरंत, नॉट ऑल रहा वीडियोस और भी चैप्टर्स के।